देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में अब तक 25,07,556 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक 83% टीकाकरण हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि राज्यों को टीकाकरण में सुधार करने की आवश्यकता है। टीकाकरण अभियान में अधिकांश स्वास्थ्य सेवा वाले बड़े राज्य से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हैं। वहीं देश में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण लगातार फैल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के दो राज्यों केरल 72,476 और महाराष्ट्र में 44,624 में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। उधर देश में अब एक्टिव केस 1.75 लाख के करीब बचे हैं। मृत्यु दर में सुधार हुआ है। अब रोज़ाना 125 से कम लोगों की मौत हो रही है, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट अब 5.51% रह गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराम भार्गव ने यूके में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर बात की। उन्होंने कहा कि यूके के वेरिएंट स्ट्रेन के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन काम करता है। भारत में वर्तमान में नए स्ट्रेन के कुल 165 मामले